समर्स को हैप्पी समर्स बनाने के लिए चलिए आज ट्राई करते हैं ये यम्मी पॉप्सिकल्स जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और साथ में मम्मियों को भी पसंद आएगी क्योंकि इनको हमने बनाया थोड़े हेल्दी ऑप्शंस के साथ। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इनकी रेसिपीज को और इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कुक विद निशा चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बनाते हैं ये गर्मियों में मिलने वाला तरबूज पॉप्सिकल। इससे क्या होगा, बच्चों को ठंडक भी मिल जाएगी पॉप्सिकल के थ्रू और तरबूज का रस भी। इसके लिए लेंगे हम तरबूज और तरबूज को काट लेंगे क्योंकि ये तरबूज का सीज़न है तो सीज़न की चीज़ तो मीठी और मज़ेदार होती है तो इसका बस हमें काट के जूस निकाल लेना है। यहाँ पे आप इस देसी तरीके से छन्नी की मदद से भी जूस निकाल सकते हैं जो कि बहुत आसान तरीका होता है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक जूसर है तो उससे तो और आसानी से जूस निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने जूसर की मदद से पूरा जूस निकाल लिया है तरबूज का और अब इस जूस को हम पकाएंगे। तो जिसके लिए मैंने पैन लिया और उसमें इसको डाल के उबाला है और क्योंकि ये बच्चों के लिए पॉप्सिकल्स बन रही है तो इसमें मैंने मिठास को ऐड किया है, लेकिन अगर आप अपने लिए या किसी बड़े के लिए बना रहे हो और वो चीनी कम खाते हैं या डायबिटिक है तो चीनी को एकदम स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी थिक और अच्छी सी रहे तो मैंने क्या किया है, एक चम्मच कॉर्नफ्लावर का घोल को पानी में अच्छे से घोल लिया है और फिर धीरे धीरे करके इसमें डाल लें और इसे लगातार चलाते हुए मिलाते रहें और इसे तब तक पका लें जब तक कि ये 3/4 ना हो जाए घट के। तो यहाँ पे ये हो गया तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और इन्हें पॉप्सिकल मोल्ड्स में हम जमने के लिए रख देंगे। पॉप्सिकल मोल्ड्स बहुत आसानी से ऑनलाइन या मार्केट में मिल जाते हैं 150 से 300 रुपए की रेंज में। आप अपनी पसंद के शेप या साइज के पॉप्सिकल मोल्ड्स ले सकते हैं और इसके बाद इसे फ्रीजर में जमने रख दें। जनरली हमें लगता है कि 7 से 8 घंटे में यह पॉप्सिकल जम जाएगी, लेकिन अगर आप इन्हें 12 से 13 घंटे या मिनिमम 24 घंटे जमाने रखते हैं तो ये अच्छे से जम जाएगी। बाकी फ्रीजर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में जमती है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना टाइमर सेट कर लें और यहाँ पे लगभग 20 घंटे बाद देखेंगे कि मेरी पॉप्सिकल बिल्कुल अच्छे से जम गई है। और अब आप अपने बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्दी पॉप्सिकल घर पे ही बना सकती है। देखा ना कितना आसान है और बच्चे भी इसे बड़े मज़े से खाएंगे। इसके बाद बनाते हैं हम ये मज़ेदार बच्चों के लिए किंडर जॉय पॉप्सिकल। बच्चों की ऐसी पॉप्सिकल्स मैंने पहले भी अपने चैनल पे बनाई है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और किंडर जॉय टॉय ओपन करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है क्योंकि एक तरफ तो टॉय मिलता है और दूसरी तरफ होती है चॉकलेट और ये नट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मिल्क चॉकलेट और नट है हमें बेसिकली आइसक्रीम के लिए इसी का यूज़ करना है। यही हमारी इस पॉप्सिकल का मेन या हीरो इंग्रेडिएंट है जिसका फ्लेवर हमारी पॉप्सिकल में आएगा। तो हमें पैन में इसको ले लिया है और इसके बाद मैं इसमें दूध मिलाऊंगी। दूध मिला के हमें इसे अच्छे से पका लेना है। जितनी हमें पॉप्सिकल्स बनानी है उतना ही हमें दूध लेना है, लेकिन हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि दूध घट के 3/4 ना हो जाए। यहाँ पे मेरा 200 ml दूध लगभग मीडियम फ्लेम में 7 से 8 मिनट में 3/4 हो गया है तो मैं यहाँ गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद पॉप्सिकल मोल्ड में जमने के लिए रख दूंगी। अब ये जो नेक्स्ट पॉप्सिकल है ये तो अनंत्या की फेवरेट पॉप्सिकल है और आप कहेंगे तो ये इसका आइडिया भी अनंत्या ने दिया कि मम्मा हम तो इससे भी पॉप्सिकल्स बना सकते हैं। तो वहीं मैंने क्या किया कि सार बाइट्स लिए, इसके छोटे छोटे पीसेस काट लिए। पानी में या किसी लेमन में भी पका सकती थी बट मुझे लगता है वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा ख़राब होता तो मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा। सार बाइट्स के छोटे छोटे पीसेस काट कर और मैंने इसमें मिला दिया है अरोरा लेमन जिसमें बिल्कुल हमारे बंटा का फ्लेवर आता है। आप चाहे तो घर में मिलने वाली जो वाइट ड्रिंक्स होती हैं हमारी एरिएटेड लिमका माउंटेन ड्यू वो भी डाल सकते हैं क्योंकि इससे बड़ा कलरफुल दिखता है। और बस अब करना कुछ नहीं है, इसमें इसको डालकर मिला देना है और इसे भी जमने रख देना है और आप देखेंगे कि जमने के बाद ये बहुत ही अच्छी सी पॉप्सिकल बन के आई है। बच्चे तो इसे बहुत मज़े से और चाव से खाएंगे। तो इस बार ही होली गई आखिरी में और मैंने बनाई थी घर पे कांजी, तो उसी कांजी से आइडिया आया ये पॉप्सिकल बनाने का। तो इसके लिए सबसे पहले हम कांजी का मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए लिया है 1 छोटी चम्मच पीली सरसों, 1 छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच काला नमक,
सफेद नमक 1 छोटी चम्मच, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च और 2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डालकर इसे पहले सूखा ही अच्छे से मिला लिया है। अब हमें करना कुछ नहीं है, इसे लगभग 1/2 से 1 लीटर पानी में डालकर रख देना है, क्योंकि पॉप्सिकल बनानी है तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल नॉर्मल पानी लिया है, बॉइल्ड पानी नहीं लिया। लेकिन कांजी में एक अच्छा सा कलर आए और थोड़ा हेल्दी ऑप्शन भी बनाना है बच्चों के लिए, तो यहाँ पे मैंने बीट रूट यानी चुकंदर के छोटे छोटे पीसेस करके इसको डाल दिया है। बीट रूट से एक तो इसमें कलर आएगा और बाकी जो भी बीट रूट के हेल्दी बेनिफिट्स हैं वो हमारे बच्चों को इस पॉप्सिकल के थ्रू मिल जाएंगे, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लोगों को बीट रूट में कसैलापन दिखता है, लेकिन इस तरीके से खाने में उन्हें मज़ा भी आएगा और बीट रूट के सारे गुण भी मिल जाएंगे। तो अब करना कुछ नहीं है, इसे हमें ढककर इसको फर्मेंट होने के लिए 1 से 1.5 दिन के लिए रख देना है धूप में, क्योंकि धूप अच्छी आ रही है तो ये जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे लगभग 1.5 दिन धूप में रखने के बाद ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है और कलर भी एकदम लाल डार्क आ गया है इसका। और अब इस कांजी को छन्नी की मदद से छान लूंगी और इस कांजी को अब मैं पॉप्सिकल मोल्ड्स में डालकर फ्रीजर में रख दूंगी जमने के लिए, वही लगभग 10 से 12 घंटे में आप देखेंगे कि ये अच्छे से जम जाएगी और फिर हम मज़ा लेंगे इस पॉप्सिकल का भी। अब गर्मियों में नारियल पानी तो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता ही है, तो बस ये नारियल पानी पीते पीते आइडिया आया, क्यों ना मेरी जो ये नारियल की मलाई है जिसको हम शायद ऐसे ही फेंक लेते हैं, कच्चा खा लेते हैं, क्यों ना मैं इसके लिए बच्चों के लिए पॉप्सिकल बनाऊं। तो यहाँ पे मैंने भैया से नारियल लिया और उसकी मलाई निकाल कर, मलाई के ये किनारे जो ब्राउन ब्राउन थोड़ा हार्ड था उसको निकाल कर इसे जार में डाल दिया छोटे छोटे पीसेस करके। साथ में मैंने लिया ये 1 सैशे मिल्क पाउडर का, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें मिल्कमेड भी डाल सकते हैं। अगर आप मिल्कमेड नहीं है तो आप इसमें जो वाइट पाउडर्स होते हैं, जैसे कि आपका नॉर्मल इलायची हॉर्लिक्स हो गया या और भी एनर्जी ड्रिंक हो गए, उसका 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। इसके बाद मैं इसमें दूध डालकर इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी और इसका हम एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का अच्छा स्मूथ सिल्की पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ हमारा देखेंगे कोकोनट मलाई पॉप्सिकल का पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। तो करना कुछ नहीं है, इसके बाद हमें इसे पॉप्सिकल मोल्ड्स में डालना है और इसको ढक्कन लगा के या कैप लगा के हमें इसे जमने रख देना है करीबन करीबन 10 से 12 घंटे के लिए। वीडियो में तो हम आपको एक एक करके पॉप्सिकल्स दिखाते हैं और 10 से 12 घंटे का जमने का टाइम भी दिखाते हैं, बट बनाते समय मैंने सारे पॉप्सिकल्स को एक साथ बना दिया था और इन्हें एक साथ फ्रीज़र में जमने रख दिया था। और हाँ, अगर आपके पास पॉप्सिकल मोल्ड्स नहीं है तो आप इस तरीके के कुल्फ़ी मोल्ड्स यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास पेपर कप है तो उसमें भी आप आइसक्रीम या पॉप्सिकल्स जमा सकते हैं। आगे समझ की ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।